गुरुवार को देश भर के हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने अयोध्या नहीं कर्ज माफी चाहिए जैसे नारे लगाए। अब ये किसान रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करने पर अड़े हैं, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें रामलीला मैदान में ही रोके रखने की कोशिश करती दिखी। देश भर के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जुटे हुए हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए ये किसान अपने दर्द को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बार इनकी दो मुख्य मांगे हैं, एक कर्ज माफी और दूसरा फसलों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए अलग से संसद का सत्र बुलाए। किसान मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के बैनर तले हो रहा है, जिसमें 208 किसान और सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान नहीं मिला, नया गन्ना जा रहा, छुलाई जा रही, 2000 रुपए छुलाई जा रही ट्राली की और ढुलाई जा रही है, पुराना भुगतान नहीं मिला अभी, फिर नया कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे? ये काशकर खुशहाल नहीं, देश खुशहाल कैसे हो जाएगा? तो काशकर हजारों आदमी खुदकुशी कर रही है, खुदकुशी उदो करता है जब वो बिल्कुल को राज नहीं मिलता, राय नहीं मिलता, उसको रास्ता नहीं मिलता, तब वो खुदकुशी करता है। परेशान है काशकर, बहुत परेशान है। हमारी समस्या यह है कि जानवरों, जंगली जानवर हमारे खेतों में बहुत नुकसान करते हैं, तार फिनिशिंग ना होने के कारण, जिससे धान गेहूँ गन्ने की फसल को नष्ट कर देते हैं। और हम लोगों को जो लागत अपने पास से लगाते हैं उसका पैसा भी वापस नहीं हो पाता है जो पास से लगाते हैं, और कर्जे में हम लोग डूबते चले जा रहे हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं, जो उन्होंने वायदा करा था उसके अनुसार हमारा जो कर्ज है उससे मुक्ति दिलवा में और हमारा 1.5 गुना मूल्य दिलवा में। हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा दिल्ली तक पहुँचने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर भी खासा जाम देखने को मिल रहा है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इन किसानों को राजनीतिक संगठनों का भी खासा समर्थन मिल रहा है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने भी किसानों से मुलाकात की है। कई और राजनेता इनसे मुलाकात करने की तैयारी में हैं। किसान मार्च की वजह से नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में, साथ ही रंजीत सिंह मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग पर ट्रैफिक जाम लगने की संभावना है। किसान अपने इस आंदोलन के जरिए अपनी आवाज को कहां तक पहुंचा पाते हैं, अब ये देखना होगा। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।